Run it back. प्रथमे तो मुशार अगणित दर्शक मानक धन्यवाद जनईबी बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त को कहीं 500 एपिसोड कम्प्लीट हवा पचरे सबुठ बड़ हाथ आपण मानक फर्स्ट मुझे चाहिए बेंगली भर्सन दीदी नंबर वन आपण समस्ते जानते रचना बानर्जी पोस्ट रचना दी बेंगली भर्सन रो जो दीदी नंबर वन को जो लेवल को नहीं सारी मते जो ऑफर आसला जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मते दिया गला मु भाबली अरे बाप रे मु केमिति कोन याकु हैंडल करबी केमिति कोन याकु प्रेजेंट करबी। हाँ रचना दी जो लेवल रा आर्टिस्ट जो लेवल रा से शो को कर दी चंती मु जदी तार 50% भी प्रेजेंट करी पाली मु बैंक एनफ मु एम्प्टी फील करी से जहां भी हो एते सब परिश्रम परे आज दीदी नंबर वन गोटे सक्सेसफुल शो हो पार्टी ओडिशा रे आईटा केवल मोपाई नुह मोर एंटायर टीम पाई कि संभव हो पार्टी मोर चैनल को मुझे धन्यवाद जनईबी जे सार्थक संसार को मुझे धन्यवाद जनईबी से मानकर कोऑपरेशन मोर दीदी नंबर वन एंटायर टीम कोऑपरेशन प्रोड्यूसर कोऑपरेशन कि सब जिन संभव हो पार्टी एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आम स्पॉन्सर्स से मानकर कोऑपरेशन बहुत ही अधिका मु आशा करछी आज जमी से आम सहित अच्छा आगो को मध्य सेमती रुहंतु बस आम दर्शक मानक कह दीदी नंबर वन शो को आपण मैंने जितकी आशीर्वाद देखते भल पाइबा देग को मध्य दिंतु जमीक 500 एपिसोड 1000 एपिसोड हो पुणी आपण मानक सामना को आसिक एमती बैठ कर नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं प्रतीक सिंह चीफ चैनल ऑफिसर जी सार्थक। जैसे आप लोग जानते हैं जी सार्थक में हम कोशिश करते हैं कि दर्शकों का मनोरंजन करें अलग अलग प्रकार से, तो भले वो हमारे सीरियल के थ्रू हो या हमारे मूवीज के थ्रू हो, वैसे हम रियलिटी शो में भी हम कोशिश करते हैं कि दर्शकों का मनोरंजन हम भरपूर करें। दीदी नंबर वन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या उड़ीसा के हर लेडीज अपना कहानी शेयर कर सके, खेल सके, जीत सके, और ये उड़ीसा का मुझे खुशी है ये बोलते हुए उड़ीसा का नंबर वन शो है फॉर विमेन, और ये शो का मुझे बहुत खुशी है कि 500 एपिसोड कंप्लीट हो गया है। आशा हमारी हमारा इरादा है कि उड़ीसा के हर घर तक पहुंच पाए और हर घर की महिलाओं के जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है वो शेयर कर पाए इस मंच पर, और यही हमारी यही हमारा प्रयास है। थैंक यू सर। 1000 सेलिब्रेशन कब करेंगे? 500 दिन बाद 500 दिन बाद 1000 सेलिब्रेशन होगा। जैसे कि हमारा जो त्योहार होता है, हाँ, हर त्योहार में अपने स्पेशल एपिसोड लेकर आते हैं, हाँ,
जैसे रथ यात्रा हुआ वो पूरी के ऊपर आपने कुछ एपिसोड लाया, दशहरा हुआ उसके ऊपर आप लाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे त्योहार को भी आपने एंजॉय करने के लिए दर्शकों को देते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि दर्शकों के साथ हम जिंदगी गुजारें और उनके उनकी जो कहानियां हम लेके आते हैं वैसे ही हम उनके साथ सेलिब्रेट करें, कि हमारा सेलिब्रेशन हो, रथ यात्रा हो। अभी हमने नवरात्रा सेलिब्रेट किया है दर्शकों के साथ 9 दिनों के लिए। वैसे ही हम हर हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और करते रहेंगे भी, यही हमारा इरादा है।